आप सभी को नमस्ते। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भगवान से दुआ करती हूँ आप सब अच्छे हो। सो गाइस, आज मैं जा रही हूँ कहीं बाहर 4 डेज की ट्रिप पर। तो मैं कहाँ जा रही हूँ और वहाँ पे मैं किस किस से मिलने वाली हूँ, उसके लिए आप मेरा व्लॉग देखिएगा। सो गाइस, मेरी पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है और थोड़ा बहुत जो है वो बाकी रह रहा है। उसके अलावा मैंने घर का सारा काम कर लिया है और 2 बजे मेरा ट्रेन है। सुबह में मैं 6 बजे अपनी जगह पर पहुंच जाऊंगी। सो मैं कहाँ जा रही हूँ उसके लिए आप मेरे ब्लॉग पर बने रहिएगा और मेरी रील्स भी आने वाली है, वो भी देखते रहिएगा। थैंक यू। सो गाइज, अब हम लोग अपना लगेज लेके निकल रहे हैं क्योंकि हमारी ट्रेन का टाइम हो चुका है। मैं, अमन और अनाया यहाँ से जा रहे हैं और मेरे हस्बैंड अहमदाबाद से डायरेक्टली वहाँ आने वाले हैं। सो अब हम पहुँच चुके हैं ट्रेन में और हमारी ट्रेन निकल चुकी है। और ये देखिए मेरी अनाया को, इसका तो ट्रेन में बैठते ही शैतानी चालू हो गया था। कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, और फिर उसके नाटक चालू हो गए। जैसे चाय वाला आता वो भी उसकी जैसे वॉइस निकाल रही थी। सो अब सब लोग सो चुके थे तो सोचा क्यों ना एक तो रील बना ली जाए। ट्रेन में बैठे बैठे बोर हो रही हूँ, अनाया सो चुकी थी तो मैंने बनाई रील। सो गाइस, मैं पहुँच चुकी हूँ उज्जैन। मैं आई थी महाकाल के दर्शन करने के लिए, तो बोलिए हर हर महादेव। सो गाइस, हम पहुँच चुके हैं होटल और 9 बज चुकी है। हम रेडी भी हो चुके हैं और हम लोग अब जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए, क्योंकि आपको भी पता है कि मोबाइल अंदर अलाउ नहीं है। तो मैं अंदर के दर्शन तो नहीं करा पाऊँगी, लेकिन जहाँ तक मैं जा सकती हूँ वहाँ तक आपको महाकाल के दर्शन कराऊँगी। सो आप मेरे ब्लॉग पर बने रहिएगा। तो अब हम पहुँच चुके हैं मंदिर के बाहर और आप देख सकते हैं यहीं से मंदिर का रास्ता जाता है। और सुबह सुबह 9 बजे ही कितनी भीड़ हो चुकी थी, बहुत भीड़ थी यहाँ पे। कोई संत महात्मा आए हुए थे जिनके प्रवचन चल रहे थे और रामायण चल रही थी, इसलिए यहाँ पे बहुत भीड़ थी। कम से कम एक दिन में 7 से 8 लाख लोग यहाँ पे दर्शन कर रहे थे, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हमें भी बहुत सारा वेट करना पड़ रहा था। सो गाइज, हम पहुँचे हैं मंदिर के अंदर और देखिए आप महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। बोलिए हर हर महादेव। और अब हम लोग बैठे थे रुद्राभिषेक कराने के लिए मंदिर के साइड में ही, जहाँ पे मंदिर है उसी के जस्ट साइड में रुद्राभिषेक करने की फैसिलिटी बना के रखी थी। और ये देखिए आप महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। और फिर हम लोग बैठ गए थे रुद्राभिषेक कराने के लिए, क्योंकि हम लोगों को पहले से ये था कि हमें रुद्राभिषेक कराना है। बहुत भीड़ थी और बहुत से लोग वहाँ पे दर्शन कर रहे थे, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन हमने बहुत अच्छे से रुद्राभिषेक करवाया और बहुत अच्छे से भगवान जी के दर्शन किए। तो सब लोग मिलकर बोलिए हर हर महादेव। सो हमारा रुद्राभिषेक पूरा होने के बाद पंडित जी अंदर गए और उन्होंने शिव जी को जल चढ़ाया और हमारी तरफ से उनको प्रार्थना करी कि हमारे घर में सुख शांति रहे, सब कुछ अच्छा रहे। और वहाँ से जो महाकाल के ऊपर फूल चढ़े हुए थे, बिलपत्र चढ़े हुए थे, वो उन्होंने हमें ला के दिए। तो गाइज़ आप भी देखिए हमारे कितने अच्छे से दर्शन हुए। हमारे दर्शन होने के बाद और पूजा होने के बाद हम बाहर निकल रहे थे, लेकिन इतनी भीड़ थी कि हमें निकलने में 1 घंटा लग गया था। सो गाइज, आप लोग महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। मैंने अंदर का भी थोड़ा बहुत वीडियो लिया है, फ़ोटो खींचा है, जो मेरे ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है। Thank you.
उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और बच चुके थे दोपहर के 3, इसलिए मैं बच्चों को होटल में ही सुलाकर और फिर से दर्शन के लिए आ गई, क्योंकि मेरा मन भर ही नहीं रहा था महादेव के दर्शन करने के लिए। तो हम लोग फिर से लाइन में लगे तो और ये थी 4 किलोमीटर की लाइन, जो 4 किलोमीटर की लाइन हम पार करके और पहुँचे कॉरिडोर में। सो गाइज, आप देख सकते हैं कि महादेव का कॉरिडोर इतना अच्छा बना दिया गया है, बहुत डेवलपमेंट है पहले से। बट यहाँ पे इस समय भीड़ होने की वजह से और किसी संत महात्मा जी के आने की वजह से ये कॉरिडोर को फ़िलहाल बंद कर दिया गया था। किसी भी आम आदमी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, क्योंकि कॉरिडोर में फिर गंदगी भी होती है और बहुत सारी भीड़ होती है तो व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए फ़िलहाल के लिए कॉरिडोर बंद किया गया था और 12 तारीख के बाद ये वापस चालू होने वाला था। लेकिन कॉरिडोर इतना अच्छा बना था कि हम खुद देखकर इतने खुश थे। बहुत बहुत अच्छी तरीके से कॉरिडोर को डेकोरेट किया गया था। वहाँ पे हर तरह से शिवजी की मूर्तियाँ लगाई गई थी, उनके हर स्वरूप को वहाँ पे सजाया गया था, जो कि आप आगे वीडियो में देख सकते हैं। सो हम लोग वापस से अंदर पहुंच चुके हैं और लाइन लगी हुई थी तो हम भी लाइन के साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। हर हर महादेव। तो हमने फिर से अच्छे से दर्शन किए, क्योंकि अंदर की मैं वीडियो नहीं निकाल सकती थी, वहां पे मोबाइल बंद करा दिया गया था, इसलिए हम लोग दर्शन करके बाहर निकल चुके। सो गाइस, अब हम आ गए होटल और बहुत थक चुके हैं, इसलिए अब हम खाना खा के कर रहे हैं थोड़ा आराम। और फिर हम वापस जा। सो गाइज, अब हम लोग उठ चुके हैं क्योंकि बहुत थक गए थे, तो थोड़ी सी देर हम लोगों ने रेस्ट किया, उसके बाद अभी हम उठे हैं, नहाए हैं और अभी हम लोग खाना खा के जा रहे हैं शयन आरती के दर्शन करने, जो कि रात को 10:30 के करीबन होता है और उसमें कुछ न्यू देखने को मिलने वाला है हम लोगों को। जैसा कि हमको पता लगा है कि सब लाइट्स बंद कर दी जाती है और दिए के साथ आरती करी जाती है, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। रात की 9 बज चुके थे और हमें करने थे शयन आरती के दर्शन, जो कि वहाँ पर बैठ के जब शिव जी को सुलाया जाता है उस समय पे वहाँ पर लोग बैठे रहते हैं और उनकी आरती चलती रहती है। बहुत सौभाग्य से मुझे ये मौका मिला था। सो हम लोग वेट कर रहे थे अंदर जाने का। तो हम लोग अंदर पहुँच चुके हैं, जैसे जैसे लाइन बढ़ रही थी हम भी आगे बढ़ रहे थे और आप रात का नज़ारा देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा था। सो गाइस, रात के बजने वाले हैं 10 और 10:30 बजे की आरती है यहाँ पे, जो मैं अटेंड करने वाले हैं, इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं मंदिर के बाहर। गर्भगृह के बाहर एक जगह है, वहाँ पे उन लोगों ने हमें रोक दिया है ताकि हम अंदर जाके 10:30 बजे आरती में बैठ सकें और आरती कर सकें।
सो गाइज अब हम पहुंच चुके हैं अंदर गर्भगृह के वहाँ पर। सो आप महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। इस समय वहाँ पर मोबाइल अलाउ था इसलिए मैंने शूट किया था। सो अब आरती की तैयारी करी जा रही थी। वहाँ पे सभी पंडित जी लोग पहुँच चुके थे और शिव जी को तैयार कर रहे थे, उनका श्रृंगार किया जा रहा था और उसके बाद आरती चालू होने वाली थी। सभी लोग मिलकर बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। आप देख सकते हैं महाकाल की आरती चालू हो चुकी थी और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि मैं महाकाल की आरती अटेंड कर पा रही थी, क्योंकि इस समय जितनी भीड़ थी उस समय पर अंदर जाना बहुत मुश्किल था। और मेरा सौभाग्य था कि मैं आरती अटेंड कर पाई और शयन आरती मेरे में दर्शन कर पाई। सो आप सब भी दर्शन करिए। सो आरती समाप्त होने के बाद हम लोग बाहर निकल के आ चुके हैं और आप रात का नज़ारा आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा था। पूरा लाइटिंग चालू थी और सब लोग वापस लौट रहे थे क्योंकि रात के 12 बज चुके थे। हेलो गाइस, सो अब हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं और रात की 12 बज रही है, खाना भी हो गया है और बस अब हम होटल जा रहे हैं रेस्ट करने के लिए। सो गाइज, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा मैं तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, जय महाकाल। तो सुबह के 6 बज चुके हैं, रात को 12 बजे तक हम लोगों ने काफ़ी अच्छे दर्शन किए शयन आरती के। उसके बाद हम आए, बहुत थक गए थे तो सो गए, अभी उठे जल्दी से, रेडी हुए और अभी सुबह के 6 बज चुके हैं तो हम लोग निकल रहे हैं ओमकारेश्वर के लिए। तो आप लोग भी आइए और हमारे साथ ओमकारेश्वर दर्शन करिए। जहाँ तक हो सका मैं आपको ओमकारेश्वर तक के भी दर्शन कराऊँगी। सो हम लोग निकल चुके हैं ओमकारेश्वर दर्शन करने के लिए। सुबह के 9 बज चुके थे और हमें लगी थी भूख तो हम लोग रुक गए थे नाश्ता करने के लिए। इंदौर आ चुका था और इंदौर के आगे हम लोग नाश्ता करने के लिए रुके थे। सो अब हम लोग पहुंच चुके हैं ओमकारेश्वर जो कि एक ज्योतिर्लिंग है। सो मेरे सौभाग्य से मैं 2 दिन के अंदर 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने को मुझे मिले, पहले महाकाल के और दूसरे ओंकारेश्वर के। मैं अब धन्य हो चुकी थी दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके। सो हम लोग पहुंच चुके हैं नर्मदा के तट पे और ये जो सामने आप पुल देख रहे हैं इस पुल पे जाकर हमें उस पार जाना था महादेव जी के दर्शन करने के लिए, लेकिन किसी रीज़न से ये पुल इस समय पे बंद था और हमें जाना था इस पार से उस पार। तो हम लोगों ने बोट का सहारा लिया और बोट पर बैठ के हम लोग इस पार से उस पार दर्शन करने के लिए गए। बैठ पे बैठ चुके हैं और निकल चुके हैं महादेव जी के दर्शन करने के लिए। बोलिए हर हर महादेव। कितना सुंदर नज़ारा था, आप देख सकते हैं इतनी सुंदर सी नर्मदा नदी और पावन भूमि पे आकर हर इंसान का मन बहुत मुक्त हो जाता है और मैं यहाँ पर आके बहुत खुश थी। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर की तरफ दूसरे तट पर। सो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, बिकॉज़ अंदर तो दर्शन करने को मिलेंगे नहीं, इसलिए आप यहीं से दर्शन करिए।
सो गाइज़ हमारे अच्छे से दर्शन हो चुके हैं दोनों ज्योतिर्लिंग के, तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको? सो गाइज़ आज का ब्लॉग यही ख़त्म होता है। हमने दोनों ज्योतिर्लिंग में बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए हैं और अब हम रिटर्न जा रहे हैं। सो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा।